गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी ठीक होंगे घर पर। नाइन्थ क्लास की ये पहली वीडियो बनने जा रही है आज से। आज से आपकी रेगुलर वीडियो बनेगी। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उनको कहा जाता है जिसमें एक या उससे ज़्यादा टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिनका ओरिजिन सेम होता है और फंक्शन भी क्या होता है इनका पर्टिकुलर होता है जब ये इकट्ठे काम करती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कुछ खास विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। कुछ टाइप्स हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, वो क्या हैं? जाइलम टिश्यू एंड द फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 10th स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। जाइलम क्या है? एक प्रकार का कंडक्टिंग टिश्यू है इन वैस्कुलर प्लांट्स। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। इट मीन्स अगर इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो जाइलम एक प्रकार का कंडक्टिव टिश्यू है, और वो भी किस में? वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर। वैस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? दोज प्लांट्स विच हैव ए फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड वैस्कुलर प्लांट्स। तो जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल्स को रूट से क्या करना? कंडक्ट करना, ताकि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में उनको पहुँचाया जा सके और उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो सके प्लांट्स में। ये जाइलम टिश्यू का मेन फंक्शन है। वहीं पे और अगर हम बात करते हुए चलें तो जाइलम क्या करते हैं? इट आल्सो गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को, और इसीलिए ही इसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करा रहा है? जाइलम टिश्यू, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आपको मैं बताता हुआ चलूँ, जो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर टॉपिक, डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ जाइलम। जाइलम कहाँ होता है? वुड के अंदर होता है। जाइलम क्या एक प्रकार का कंडक्टिव टिश्यू है जो वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं जाइलम टिश्यू, और इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। जाइलम टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। बच्चों, ये बिल्कुल ही आपको अच्छे तरीके से याद कर रहे हैं। ये चारों टाइप्स आपको पता होना चाहिए कि जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। आपको जाते जाते ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जाइलम के अंदर 3 तो क्या होती हैं? डेड टिश्यूज होती हैं, और एक क्या होती है? लिविंग टिश्यू होती है, जिनका मेन काम क्या है? वाटर को कंडक्ट करना होता है ताकि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जा सके। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रैकेट्स के बारे में। ये दीज आर ट्यूब लाइक डेड सेल्स। अब देखो ध्यान से, साथ साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन सी डेड सेल्स हैं और कौन सी लिविंग। ट्रैकेट्स क्या है? एक प्रकार की ट्यूब होती है और डेड सेल्स की होती है। बॉर्डर पिट्स, मतलब इनकी बॉर्डर पर क्या होते हैं? पिट्स होते हैं। आर सीन विद हैविंग पॉलीगोनल शेप, और इनकी शेप कैसी होती है? पॉलीगोनल शेप मिलेगी आपको। जो आपको वो पिट्स नज़र आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिग्निन कहते हैं बेटा। डिपोजिशन ऑन मेक सेल वॉल्स हार्ड। लिग्निन क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो जाइलम टिश्यू है उसके अगर मान लीजिए सेल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं तो बीच में छोटे छोटे क्या है? लिग्निन के पिगमेंट्स मिलेंगे। वो क्या करते हैं? सेल वॉल को हार्ड बनाने में हेल्प करते हैं ताकि प्लांट की स्ट्रेंथ बढ़ सके। द वाटर मूवमेंट अकर थ्रू नॉन थिक एरिया ऑफ ट्रैकेट्स। जो वाटर मूवमेंट होता है वो कहाँ से होता है? ट्रैकेट्स की, जहाँ पर वॉल मोटी नहीं है, जहाँ पर वॉल पतली है, वहाँ से ही क्या होता है? वाटर की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड आता है बच्चों वेसल्स। वेसल्स की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिया। इनको हम ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं। जो एंड वॉल्स है आर आइदर एब्सेंट और परफोरेटेड। ठीक है, जो लास्ट की जो वॉल्स होती हैं या तो बिल्कुल ही एब्सेंट रहेंगी या फिर उनके अंदर से थोड़ा बहुत क्या है? वाटर वेसल्स, वाटर और मिनरल्स है आसानी से आ जा सकेंगे। दीज सेल्स अकर इन एंजियोस्पर्म। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। फ्लावर, जिनके अंदर फ्लावर होता है, जिन प्लांट्स के अंदर, वो एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। वेसल्स एंड ट्रैकेट्स टुगेदर फॉर्म द ट्रैकरी एलिमेंट ऑफ जाइलम। वेसल और ट्रैकेट्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रैकरी एलिमेंट्स बनाते हैं जाइलम का।
ताकि वाटर को क्या कर सके, ये कंडक्ट कर सके। वाटर और मिनरल्स आसानी से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच सके। अब आगे चलते बच्चों, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो दीज आर लिविंग सेल्स। अब ध्यान सुन लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जाइलम के अंदर 3 डेड सेल्स होती हैं और एक ही क्या होते हैं, लिविंग। और लिविंग का नाम क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। विच स्टोर फूड, जाइलम पैरेन्काइमा फूड भी स्टोर करता है और साथ में लेटरल कंडक्शन करने का भी काम करता है, और सॉल्यूट एंड फूड पार्टिकल्स। मतलब सॉल्यूट किस फॉर्म में बात कर रहा हूँ मैं, जैसे वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स जैसे कि न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप हो जाते हैं, वो क्या हैं, सॉल्यूट्स हैं। और जो फूड मटेरियल्स हैं वो आसानी से जाइलम पैरेन्काइमा क्या करते हैं, कंडक्ट करने का काम करते हैं। इनके अंदर फूड भी स्टोर होता है। लास्ट इसमें है जाइलम फाइबर्स, फोर्थ जो पार्ट्स है वो है जाइलम फाइबर्स। ये स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स भी हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर। इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही थिक होती है और इनमें छोटे छोटे पिट्स भी होते हैं। बीच में आपको नैरो ल्यूमन नज़र आएगा एंड टेपरिंग एंड्स, और लास्ट में आपको यहाँ पर टेपरिंग एंड्स भी आपको नज़र आएगी। द सेल वॉल आर लिग्निफाइड, यहाँ पर सेल वॉल क्या है, लिग्निफाइड, क्योंकि लिग्निन पिगमेंट होगा जो कि मैकेनिकल सपोर्ट क्या करता है, प्लांट को प्रोवाइड कराता है। तो बेटा ये इतना आपको क्या करना है, जाइलम के बारे में लिखना है ताकि आप इसको ईजी वे में एग्ज़ाम के अंदर अच्छे तरीके से करके आए। फ्लोएम की अगर बात करूँ तो ये क्या होते हैं, इनर बार्क। इनर बार्क का क्या कहते हैं, जैसे आउटर बार्क तो क्या हो गई, जाइलम की हो गई, अंदर की जो बार्क है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। अब फ्लोएम क्या है, उसको हम बास्ट भी कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट, इट इज़ द फूड कंडक्टिंग टिश्यू। इसको फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है वेस्कुलर प्लांट्स में। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लीव से फूड को क्या करते हैं, जो फूड बना है लीव के अंदर उसको डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में पहुँचाने का काम करते हैं, और रूट से भी क्या करते हैं, ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक फूड को पहुँचाने का काम करते हैं। मतलब ये बाई डायरेक्शनल अपनी मूवमेंट शो करते हैं फ्लोएम टिश्यू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेल ऑफ फ्लोएम आर लिविंग, ध्यान सुनिएगा, जो सेल होती है फ्लोएम की वो क्या होती है, लिविंग, एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसलोकेटिंग ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन प्लांट, और आसानी से ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट है वो ट्रांसलोकेट होता रहता है प्लांट के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ, मैंने जैसे बताया कि जाइलम के अंदर क्या होते हैं, 3 डेड सेल्स होती हैं और एक लिविंग होती है, और लिविंग कौन सी होती है, जाइलम पैरेन्काइमा। और वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, फ्लोएम की, तो फ्लोएम के अंदर 3 तो लिविंग होती हैं और एक क्या होती है, डेड सेल होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्लोएम के पार्ट्स क्या क्या हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे सीव ट्यूब्स को देखिए, सीव ट्यूब्स क्या है, ट्यूबुलर लिविंग सेल्स है, ध्यान से याद रखना, एक प्रकार के ये सीव ट्यूब्स क्या है, लिविंग सेल्स है, विच आर प्लेस्ड ऑन ओवर द अनदर टू फॉर्म ए सिंगल रो। मतलब एक या दो रो में आपको ये नज़र आएंगी। ये इनकी जो लास्ट की जो वॉल होती है सीव ट्यूब्स की, उसको हम सीव प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स, जिनकी सहायता से आसानी से क्या होता है, फूड पास होता है, ये अलाउ करते हैं ताकि फूड ईजिली क्या हो सके, पास हो सके। जो लेटरल जो साइड है वॉल की, वो सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान से याद रखना, जो लेटरल साइड है वॉल की वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जो कि सराउंडेड होती है किसके, एल्ब्यूमिनस सेल कंटेंट, जिसके अंदर कंटेंट कौन कौन से हैं, वैक्यूल, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है सीव ट्यूब्स। अब आ रही आती है कंपेनियन सेल्स की, ये लाई करते हैं द साइड ऑफ द सीव ट्यूब, सीव ट्यूब के बिल्कुल साइड में क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं और ये कनेक्टेड होती हैं टू देम थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। मतलब प्लाज्मोडेस्मेटा के साथ क्या होती हैं, ये कनेक्टेड रहती हैं कंपेनियन सेल्स। जो वॉल है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की, हैव ऑल सेल ऑर्गेनेलीज, इनके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो मैंने आपको बताई थी, जो सीव ट्यूब्स में एब्सेंट होती हैं, कंपेनियन सेल्स में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। सेल है ऑल सेल ऑर्गेनेलीज विच आर एब्सेंट इन सीव ट्यूब्स। ऑरिजिन आपको ध्यान रखना है सेम होता है, फंक्शन क्या है, सिंगल यूनिट, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर सेल्स भी कहा जाता है। थर्ड है बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये दीज आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स, दीज आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स दैट हेल्प्स टू स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट।
ये थिन वॉल्ड है, लिविंग सेल्स भी हैं। साथ में मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि ये क्या करते हैं कि कंडक्शन जो रेट है, मतलब एक प्रकार से फूड को ट्रांसलोकेट करने का जो काम है, इनके अंदर बहुत ही स्लो होता है, स्लो प्रोसेस होता है। लास्ट है फ्लोएम फाइबर्स, जो कि नॉन लिविंग टिश्यूज हैं। दीज आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैविंग नैरो ल्यूमन एंड टैपरिंग एंड्स, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। जब भी फ्लोएम फाइबर की बात आएगी तो आप समझ जाना फाइबर वर्ड लिखा है तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है। दूसरा आपको ये बताना है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा जो मेन है, जो आपके टेंथ क्लास में भी काम आएगा, कि जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस क्या है। जाइलम तो क्या करते हैं, वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट मतलब मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को कंडक्ट करने का काम करता है फ्लोएम, ठीक है। दूसरा आप यहाँ देखेंगे तो कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेज अकर इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली। कंडक्शन जो मिलेगा आपको यहाँ पर जो वाटर और मिनरल्स का है, वो प्लांट के अंदर रूट से लीफ की तरफ आपको मिलेगा, तो इसलिए मैंने क्या कहा अपवर्ड डायरेक्शन में ही यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है। वहीं अगर हम बात करते हुए चलें कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर, तो यहाँ पे कंडक्शन जो है सब्सटेंसेज का वो क्या है, अकर इन द बोथ डायरेक्शन, लीफ से रूट की तरफ भी और रूट से लीफ की तरफ भी क्या है फूड ट्रांसलोकेट होता रहता है। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जाइलम के अंदर केवल जाइलम पैरेन्काइमा क्या है लिविंग है, और सारी सेल्स क्या होती है डेड होती है। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स क्या है डेड होती है, लेकिन सारी सेल्स क्या होती हैं लिविंग होती हैं। होपफुली आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है जाइलम क्या कराते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स के अंदर। फ्लोएम डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लेकिन ध्यान से सुनिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो फ्लोएम फाइबर्स है जो नॉन लिविंग टिश्यू है, वो थोड़ा सा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। अन्यथा जब जाइलम की बात करते हैं तो कंप्लीट जो सेल्स हैं इसके अंदर वो सभी के सभी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। लास्ट है बेटा, इट कंडक्शन अकर्स इन द ट्रैकरी एलिमेंट, जो कंडक्शन है वाटर और मिनरल्स का वो ट्रैकरी एलिमेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। और वहीं कंडक्शन देखा जाए तो यहाँ पर किसके थ्रू होता है, सीव ट्यूब्स के माध्यम से। होपफुली बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, आप ये मेरी वीडियो को लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करें। जितना भी कोई भी क्वेश्चन अगर डाउटफुल हो तो वो मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। आपका दिन